सभी को नमस्ते। मैं चरणजीत वर्मा आप सभी का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। विराम शब्द विश्राम से लिया गया है। विश्राम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, यानी जब हम बोलते वक्त या लिखते वक्त कहीं रुकते हैं या ठहराव करते हैं तो वहां व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्थात भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यह तीन वाक्य हमारे सामने हैं। जो पहला वाक्य है उसमें वाक्य के अंदर किसी तरह के विराम चिन्ह प्रयोग नहीं किया है, तो वहां अर्थ स्पष्ट नहीं है कि वो वाक्य किस संदर्भ में लिखा गया है। लेकिन दूसरे और तीसरे में हमने वहां विराम चिन्ह प्रयोग किए हैं तो वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अर्थात व्याकरण चिन्हों को लिखने के बाद हम वाक्य संदर्भ के अनुसार उसको सही ढंग से उसका अर्थ समझ सकते हैं। वाक्य का सही ढंग से अर्थ समझने के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जहां जहां ठहराव आता है, जहां जहां बोलते वक्त या लिखते वक्त रुकते हैं, वहां हरेक जगह विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम, एक सीधी रेखा से खड़ी रेखा से प्रयोग होता है। अल्प विराम यानी कोमा, अर्ध विराम सेमीकोलन, उपविराम या अपूर्ण विराम कोलन, प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन, विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा, सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, योजक चिन्ह हाइफन, निर्देशक चिन्ह डैश। हाइफन और डैश में अंतर इतना होता है, हाइफन छोटा होता है, उसकी आकृति से यदि बड़ा लगाते हैं तो वो निर्देशक यानी डैश चिन्ह होता है। कोष्टक ब्रैकेट, जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट एक तरह की दिखाई देती है, लेकिन कंप्यूटर पर आपको तीन तरह की ब्रैकेट प्रकट होती है। हंसपद साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, यानी एक तरह का एक चिन्ह होता है जिसके नीचे एक एरो मार्क लगा होता है। लाघव चिन्ह एब्रीवेशन, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन, विवरण चिन्ह कॉलन प्लस डैश इत्यादि एक्सेट्रा। ये जो व्याकरण चिन्ह है हम भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर ये प्रयोग करते हैं। जब हम इन चिन्हों को प्रयोग करेंगे तो वाक्य संदर्भ के अनुसार हम वाक्य को सही ढंग से पढ़ और समझ सकेंगे, उसके अर्थ समझ सकेंगे। यहां सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम जाओ, वाक्य खत्म हुआ, पीछे विराम पूर्ण विराम लग गया। रमेश अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम आ गया। राम नहीं जाएगा, पूर्ण विराम आ गया। मैं कल जाऊंगा, मैं कल आऊंगा और आपके पास केवल एक घंटा रुकूंगा। ये संयुक्त अथवा ये मिश्र वाक्य है। दोहे श्लोक चौपाई आदि छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे दो आ गया, एक एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक विराम लगा हुआ है। रहमन मूले सीचिवो,
पले फूले फले अदाए, और उसके अंत में दो विराम चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कहीं भी दोहा हो, श्लोक हो, चौपाई हो या कोई छंद हो, तो पहले छंद के अंदर पहले वाक्य में एक विराम लगेगा और दूसरे वाक्य में दो विराम लगते हैं। और इसके अलावा सामान्य कथन वाला कोई वाक्य होगा, सरल वाक्य हो, संयुक्त हो या मिश्र वाक्य हो, उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता अल्प विराम। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद भारत के बड़े शहर हैं, यानी एक तरह के शहरों के नाम आ गए, और जहां 5, 6, 7, 8, 10 शहरों के नाम आते हैं, तो हर शहर के नाम के बाद शहर का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी के नाम भी हो सकते हैं, तो वह हर नाम के बाद एक कोमा लगेगा, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होगा। एक ही प्रकार के कई पदबंधों या उपवाक्यों का एक वाक्य में प्रयोग होने की स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अंत में अल्पविराम लगाया जाता है, लेकिन पदबंधों के अंत में आदि या अंतिम पदबंध के पहले और का प्रयोग होता है। हमें अकारण किसी से उसका पता, वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यानी जब आपके पास विकल्प के रूप में ये सारी चीजें आ रही हैं, तो हर नाम, हर उपबंध के बाद, हर उसके बाद पदबंध के बाद कोमा लगा हुआ है, और अंतिम शब्द के बाद आदि का प्रयोग किया गया है। यदि यहां अंतिम शब्द से पहले और लगा देते हैं, तो अंतिम शब्द से पहले कोमा प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमें अकारण किसी से उसका पता, वेतन, उम्र, जाति और धर्म पूछने से बचना चाहिए। संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे मोहन कोमा तुम इधर आओ, यह मोहन के बाद कोमा प्रयोग किया गया है। मित्रों कोमा आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूं। श्रीमान जी कोमा मुझे आज घर पर आवश्यक काम है। वाक्य के शुरू में आने वाले हां या ना के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे हां तुम ठीक कहते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो उपवाक्य पर परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वरन आदि समुच्चय शब्दों से शुरू होते हैं, में समुच्चय बोधक अव्यय से पहले अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे रमेश हमारा साथ नहीं दे सका क्योंकि उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कोमा आ गया। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकूंगा कोमा, किंतु तुम्हारा खेल जरूर देखूंगा, किंतु से पहले कोमा आ गया। तारीख के बाद महीने का नाम लिखने के बाद सन संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। पहले वाक्य में था कि कहीं किसी वाक्य के अंदर परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वरन, इनसे पहले कोमा आएगा। और यह है कि जब आप कोई तारीख लिख रहे हैं, जैसे 15 अगस्त 1947, तो अगस्त यानी महीने और सन के बीच में कोमा आएगा, 15 अगस्त 1947। संयुक्त वाक्यों में निम्नलिखित स्थितियों में भी अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे तुम जानते हो कोमा मैं बाग बगीचों में घूमना पसंद करता, यानी दो खंडों का शब्द है, वहां जैसे ये खंड समाप्त होता है कोमा आ गया। नौकर कमरा झाड़ता कोमा बिस्तर बिछाता है और बाजार से सामान लाता है, ये मिश्र वाक्य हो गया, तो हर एक खंड के बाद कोमे का प्रयोग हो गया। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा के पूर्व भी अल्प विराम प्रयोग होता है, जैसे उसने कहा कोमा आगे इन्वर्टेड कोमा शुरू, मैं यह कभी नहीं मान सकता। राम बोला तुमने सही किया,
पत्र में संबोधन के बाद अल्पविराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जैसे महोदय कौमा, प्रिय महोदय कौमा, पूज्य पिताजी कौमा, प्रियवर कौमा, प्रिय मित्र आदि। इन शब्दों के बाद कौमा प्रयोग होता है। पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के नाम के बाद अल्पविराम चिन्ह नहीं लगता। यानी जब आप कोई पत्र लिख रहे हैं, भवदीय और आज्ञाकारी के बाद कौमा प्रयोग नहीं होता। तब और तो से पहले अल्पविराम लगता है, जैसे जब तुम चले कौमा तब बरसात हो रही थी, तुम जा रहे हो कौमा तो उसे लेते आना। अगला आता है अर्धविराम। जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम ठहरना हो या अल्पविराम से अधिक ठहरना हो, वहां अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे उदाहरण सूचक शब्दों में जैसे से पहले अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे यानी जैसे से पहले है, आप कौमा भी लगा सकते हैं और अर्धविराम भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। जैसे पुरुषों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है, कौमा जैसे। संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्य के बीच अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे गांधी जी नहीं रहे, कोलन, सेमीकोलन आ गया, वे तो अमर हो गए। एक ही समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए सेमीकोलन का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सेमीकोलन आ गया, लिंग, वचन और कारक, सेमीकोलन आ गया, सर्वनाम कौमा, सर्वनाम के भेद, सेमीकोलन आ गया, विशेषण कौमा, विशेषण के प्रकार, सेमीकोलन, पर्यविशेषण। अगला आ जाता उपविराम या अपूर्ण विराम। किसी वाक्य को अलग करके दर्शाने हेतु तो उपविराम या अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे दिनांक, दिनांक के बाद यह कॉलन प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में एक विसर्ग आता है। विसर्ग हिंदी भाषा का 12वां स्वर है। विसर्ग शब्द के अंत में साथ लगाया जाता है और कॉलन स्पेस या स्पेस छोड़ के लगाया जाता है, गैप दे के लगाया जाता है। तहेज प्रथा, कॉलन एक अभिशाप, यानी दोनों तरफ गैप दिया हुआ है। अगर कॉलन प्रथा के साथ लिखेंगे तो वो गलत है, साथ नहीं आएगा। विज्ञान, कॉलन वरदान या अभिशाप, यानी जहां कॉलन प्रयोग होगा वो शब्द से गैप लगा के प्रयोग होगा और फिर भी गैप लिखेंगे। साथ मिला के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर साथ मिला के लिखेंगे तो हिंदी भाषा का 12वां स्वर विसर्ग कहलाएगा। अगर आता प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहां गए, कैसे आए, क्या चाहते हो, एक बार ही लगाया है, बार बार इसका प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह नहीं लगाया गया है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है एक ही बार में। विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन चिन्ह, कैसे दर्शाया जाता है, एक सीधी लाइन और एक डॉट। विस्मय सूचक चिन्ह प्राय हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना सूचक शब्दों उपबंधों के अंत में प्रयोग होते हैं। जैसे आह, मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया, हाय, वह घायल हो गया, छी, कैसी दुर्गंध आ रही है, अरे कितनी ऊंची मीनार है, हे प्रभु हमें बल बुद्धि दो,
यानी जितने वाक्य हैं यहां जो शब्द आ रहा है वो है हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना से संबंधित शब्द हैं, और जहां वो बोले जाते हैं उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वो चिन्ह एक सीधी लाइन और नीचे बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। अगला उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा भी होता है। लेखक, वक्ता या किसी व्यक्ति के कथन को यथावत उद्धृत करने में अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा बाजार, शाम को बाजार नहीं जाना चाहिए, राम के वचन है, कथन है, वो उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है। एक चीज यहां और भी है कि उद्धरण चिन्ह जहां अंत में लगाते हैं उससे पहले विराम आता है, उद्धरण चिन्ह के बाद विराम नहीं आता। वाक्य जहां खत्म होता है विराम चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के बाद इन्वर्टेड कोमा आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी जो वाक्य है वो सुभाष चंद्र बोस जी के कथन का है, तो उनके कथन को इन्वर्टेड कोमा में बंद किया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का नाम, पाठकों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम इन्वर्टेड कोमा, इकहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे परिमल, ग्रंथ की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। छठा पाठ पढ़ो जिसका शीर्षक है शिष्टाचार, यानी कहीं किसी व्यक्ति के, कवि के, लेखक के, पाठों के शीर्षक या पुस्तक या समाचार पत्र आदि के नाम को यही उद्धृत करना है तो सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी के वाक्यों को यथावत अगर आपने लिखना है तो उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा प्रयोग होते हैं। यूजक चिन्ह, हाइफन, इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। यानी दो शब्दों के बीच में जो चिन्ह प्रयोग होता है वो आपका हाइफन होता है। सुख दुख, तन मन धन, ईश्वर वंदना, विदेश देश विदेश, राम रावण युद्ध, रावण अंगद संवाद, माता पिता, धीरे धीरे, अलग अलग, दादा दादी, ऐसे जो भी शब्द होंगे उन सभी के बीच में हाइफन प्रयोग होता है। और हाइफन जब प्रयोग करते हैं तो शब्द को, दोनों शब्दों को, दोनों खंडों को साथ मिला के लिखते हैं। समानता सूचक शब्दों के साथ यदि कहीं सा से सी आ जाता है तो इन सा सी से के पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे छोटा सा काम, थोड़े से लोग, मछली सी आंखें, डैश, हाइफन जो होता है जो उसकी आकृति है तो उससे दुगनी आकृति डैश की होती है। वार्तालाप में वक्ता के कथन के बाद डैश का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण ने कहा ए दुष्ट कंस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यानी दो खंडों का वाक्य है, वक्ता का पहला खंड हो गया कहने वाले का, वक्ता का, और उसने जो कहा है उसके बीच में आपने अगर डैश प्रयोग करना है तो डैश हाइफन से दुगने आकृति का आप प्रयोग कर सकते हैं। उद्धरण इन्वर्टेड कोमा से पहले अल्पविराम के स्थान पर निर्देशक डैश प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा था डैश,
इन्वर्टेड कोमा, राम नाम की महिमा अपार है। यानी जहां डैश प्रयोग होगा वो दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होगा, तो जहां वाक्य के दो खंड होंगे, पहले खंड के बाद डैश, फिर दूसरा खंड आ जाएगा, और हाइफन जो होगा दो शब्दों के बीच में होगा। डैश से पहले और बाद में गैप दिया जाएगा, लेकिन हाइफन में गैप नहीं आएगा। ब्रैकेट कोष्टक क्रम सूचक अंकों या वर्ण के साथ, मान लिया आप सीरियल वाइज लिख रहे हैं 1 2 3 4 या क्या 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 लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब वहां लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। वाक्य का अर्थ प्रकट करने हेतु या वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जा सकता है। लिंग के दो भेदों एकवचन बहुवचन ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो एक जैसे शब्द आ जाते हैं, तो दूसरे शब्द को ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। निरंतर और लगातार दोनों का अर्थ समान है, तो दूसरे शब्द को ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। हंसपद, यानी आप कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें आपका कोई शब्द छूट गया है, कहीं शब्द छूट जाता है तो बीच में एक एरो मार्क देके, यानी जिसके दो पैर होते हैं नीचे, हंसपद होते हैं, एक सीधी एरो मार्क, क्योंकि यहां कंप्यूटर से प्रयोग नहीं हो पाई, एक सीधी आड़ी के ऑब्लिक की तरह लाइन होती है, नीचे दो पैर बना देते हैं हंसपद की तरह, वो लिखने के बाद जहां शब्द छूट गया हो इस हंसपद को लगा देते हैं, और उसके ऊपर या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में उस शब्द को लिख जाता है, यानी वो जो जहां हंसपद लिखा हुआ है वहां छूटा हुआ शब्द आपको लिखना है। लाघवचिन्ह एब्रीवेशन, यानी लाघवचिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। किसी चीज को आप संक्षिप्त रूप में एब्रीवेशन में लिखना चाहते हैं तो एक छोटे डॉट या छोटी जीरो का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए, ठीक है, तीनों ही तरह से मैंने लिखे हुआ है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहां कंप्यूटर पे था तो मैंने तीनों चिन्ह लिख दिए, तो आप एक सीधा डॉट भी प्रयोग कर सकते हैं। एब्रीवेशन यानी जब आप सिर्फ उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं, किसी के नाम को या किसी स्थान को या कोई चीजों को आप छोटा करके लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने पर उसमें एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर, व्यक्ति के नाम को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे लिखा राकेश कुमार वर्मा, पूरा नाम है, मैंने लिख दिया राकू वर्मा, आर के वर्मा। यहां पर एक और चीज बता दूं, जब किसी व्यक्ति का आप एब्रीवेशन करते हैं, व्यक्ति का नाम साथ साथ लिखा जाता है, जब उसके सरनेम लिखते हैं सरनेम और नाम के बीच में गैप दिया जाता है। ब्रह्म प्रकाश सहगल, बीपी सहगल, सहगल अलग लिखा हुआ है, वर्मा अलग लिखा हुआ है, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान को या शब्दों को अगर आप संक्षिप्तीकरण में लिखना चाहते हैं तो वहां डॉट का प्रयोग कर सकते हैं। रेखांकन अंडरलाइन, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद नाम को वाक्य में रेखांकित किया जाता है, जैसे सोहन ने मुझे बुलाया, आपको लगता है कि सोहन को आपने अगर अंडरलाइन करना है, इसको महत्व देना है चीज को, किसी चीज को या एक वाक्य के अंदर किसी शब्द को या किसी पद को किसी नाम को यदि आपने महत्व देना है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। एक इसका कल दूसरा भी आ गया, जब कंप्यूटर में तो आप इसको बोल्ड भी कर देते हैं। शीर्षक या विषय को रेखांकित किया जा सकता है, यानी शब्द को कर सकते हैं अंडरलाइन, अगर आप किसी शीर्षक को लिखना उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, विषय लिखते हैं तो विषय के बारे में जो कुछ लिखा जाता है वो अंडरलाइन किया जा सकता है। विवरण चिन्ह, किसी विवरण की जानकारी देने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस कार्य का पूर्ण विवरण इस प्रकार है, जैसा भी मैंने लिखा कि विराम चिन्ह निम्नलिखित है तो उसके बाद एक विवरण चिन्ह आ गया, यानी दो एक कॉलन का एक संकेत आ जाएगा और साथ में डैश प्रयोग हो जाएगा। अगला आता है इत्यादि, इत्यादि की चिन्ह को है तीन डॉट से प्रयोग करते हैं,
यानी कहीं भी आपको इत्यादि अगर का प्रयोग करना है तो इत्यादि लिखने के बजाय आप तीन डॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये है हमारे विराम चिन्ह, यानी विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम मुख्यतः विश्राम से लिया गया है और विश्राम का मतलब ठहराव, यानी जहां रुकना है हमारे को। और जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, जहां हम बीच बीच में रुकते हैं तो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और विराम चिन्हों का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का अर्थ हम सही ढंग से समझ सकते हैं। नहीं तो अगर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अर्थ जो हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।